नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपके साथ इजी एंड क्विक कटहल की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो ये सब्जी खाएंगे तो नॉन वेज भी भूल जाएंगे। तो चलिए, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है। चलिए, कटहल की सब्जी के लिए मैंने कटहल लिया है, साथ में लिया है प्याज का पेस्ट और लहसुन अदरक का भी मैंने पेस्ट लिया है, साथ में हरी मिर्च ली है। और चलिए, यहाँ मैं दुकान में गई थी, वहां मैंने कटहल लिया था तो कटहल वाले से ही मैंने कटहल कटवा दिया। ऐसे कटहल काटना चाहिए, चाकू होना चाहिए बड़ा। कैसा? ऐसा ऐसा चाकू आराम से कटता है। इसने बताया किस हिसाब से ये लोग हाथ में पॉलिथीन पहन के और काटते हैं। और ये इस सब्जी की दुकान है जहाँ से मैं सब्जी लेती हूँ। चलिए सब्जी बनाते हैं। सब्जी के लिए मैंने यहाँ तेल ले लिया है और इस तेल को मैं इस पैन में डाल रही हूँ और बेसिकली मैं इसको कटहल के जो पीसेस हैं उनको फ्राई करने वाली हूँ। तो कटहल मैंने वहाँ दुकान से उसकी बाहर की कवरिंग कटवा ली थी, उसके बाद घर पे लाके उसको पोंछ दिया था अच्छी तरह से और फिर उसके पीसेस काट दिए थे। और ये पीसेस देखिए इस तरह से बड़े बड़े पीसेस काट दिए थे और उनको तल रही हूँ। तो मैं तल के बनाने वाली हूँ। अगर आपको तल के नहीं बनाना है तो आगे बता दूंगी मैं कि कैसे प्रोसेस में क्या करना है और इनको हमको डीप फ्राई करना है। तो कटहल की सब्जी जो है बहुत टेस्टी बनती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, वो अगर कटहल की सब्जी बनाएं और खाएं तो उनको नॉनवेज जैसा ही स्वाद आएगा और बहुत टेस्टी। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन वाले हैं, वो भी खाएं तो उनको भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो कटहल को हमने तलने के लिए रख दिया है। आप इसको अच्छा सा डीप फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कटहल में गुड सोर्स ऑफ फाइबर होता है, उसकी वजह से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो वो भी कम होता है। और जैसे मैंने गूगल में पढ़ा था तो उसमें बता रहे थे कि इसमें अल्सर की में भी फायदा पहुंचाता है, डायबिटीज है तो उसमें भी फायदा पहुंचाता है, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम्स, इसमें भी कटहल जो है फायदा पहुंचाता है। ऑन द होल कटहल में बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू है। और ये देखिए आप, हमने तल रहे, थोड़े बड़े बड़े पीसेस करके तलिएगा, छोटे होते हैं ना तो फिर वो बिखरने लग जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कटहल लेने जाएं तो पका हुआ कटहल जो होता है वो नहीं लाएं, कच्चा कटहल लें तभी अच्छी बनती है। नहीं तो पके हुए जो कटहल होता है उसके रेशे बहुत वैसे हो जाते हैं और उसके अंदर के बीज भी पक जाते हैं। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें, जिस कटहल हरा हरा हो वो ही लें, पीला वाला नहीं लें, नहीं तो सामने कटवा के देख लें। और ये देखिए हमारा कटहल कितने बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और ये हमारे फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो इस तरह से हमको कटहल जो है अच्छे से डीप फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए इसके बीज भी दिख रहे हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। और इसके साथ अब हम चलिए, हमारे कटहल तल के तैयार है तो मैंने दूसरी तरफ अब एक कुकर लगा दिया। कुकर में मैं 3 सर्विंग स्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसमें तेल अच्छा डला हुआ हो तो कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। साथ में इसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा डाल दिया मैंने। और ये तेल मैंने वही वाला इस्तेमाल कर लिया था जिसमें मैंने कटहल तले थे। और साथ में 1/2 टीस्पून हींग डाल दी है, जो जब आप कटहल तल ले तो उसी तेल लेके आप इसमें सब्जी का शोरबा बनाए। और अब मैं यहाँ प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। मैंने यहाँ प्याज, 2 प्याज छोटे छोटे लिए थे, उनको मिक्सी में पीस लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो बारीक काट के भी प्याज डाल सकते हैं, कद्दूकस करके भी प्याज डाल सकते हैं, आपकी मर्जी हो वैसे प्याज डाल सकते हैं। पर मैंने प्याज को मिक्सी में पीस दिया था उसका पेस्ट बना के, और अब इसको मैं भून रही हूँ। और साथ में मैंने लहसुन और अदरक का भी पेस्ट बना लिया था, ये भी डाल रही हूँ। तो ये भी डाल दें, तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं, और खाते हैं तो जरूर डालें। चाहे तो लहसुन और अदरक को ग्रेट करके कद्दूकस करके भी डालें, और चाहे तो बाजार में जो पेस्ट आता है ना लहसुन अदरक का, वो भी डाल सकते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का पेस्ट डाल के हमको इसको भूनना है। तो इसको 2 से 3 मिनट हमको अच्छे से भूनना है ताकि हमारे लहसुन अदरक प्याज अच्छी तरह से भून जाए।
यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है, प्लीज मेरी वीडियोस को आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। क्या अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसके साथ ही मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून और साथ में डाल रही हूँ 2 टीस्पून में चिकन मसाला। आप चाहे तो सब्जी मसाला, मीट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ चिकन मसाला डाला है। उसके बाद सारे मसाले डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिला लें और ये देखिए मसाला सूख रहा है इसलिए पानी डाल दें। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ मसाला सूखने लग जाता है तो पानी डाल डाल के आप इसको भूनें, सूखे मसाले को नहीं भूनें, एक तो मसाले जो है जलने के चांसेस रहते हैं। और ये पानी डाल के मैं इसको भून रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया सा मसाले जो है। आप हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ कि मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कई लोग बहुत तीखा स्पाइसी खाते हैं तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई लोग कम स्पाइसी खाते हैं तो वो इससे कम भी डाल सकते हैं, तो जैसा आपको पसंद हो वो वैसा डालें। अब मैं यहाँ 1 कटोरी दही डाल रही हूँ। देखिए इस कटोरी दही में मैंने नीचे जो मसाला पक रहा था वो डाल दिया। आपको लग रहा होगा कटोरी में मसाला डाल के दिखा रही है, क्यों दिखा रही है तो मैं बताऊँ। क्या होता है हम दही जब डायरेक्ट डालते हैं तो दही के फटने के चांसेस होते हैं, तो हमेशा दही में थोड़ा सा मसाला, ये पका हुआ मसाला जैसे मैंने डाला 1 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी डाल के और फिर डालें और लगातार चलाते रहें जब तक कि 1-2 बबल्स नहीं आ जाए, नहीं तो क्या होता है दही के फटने के चांस होते हैं। और ये देखिए हमारा मसाला कितना बढ़िया पकने लग गया है, देखिए तेल भी छोड़ रहा है। तो जैसे बता रही थी कि कई लोगों की दही फट जाता है सब्जी में, तो उसका मेन कारण यही होता है कि वो दही डाल देते हैं और एज इट इज ही डाल देते हैं और चलाते नहीं है, तो उससे दही फट जाता है। अगर आपका दही फटता है तो ये वाला आप यूज करें। आपको जैसे मैंने आगे बताया था कि इसके फायदे बहुत है, तो वैसे ही ये बहुत ही रिच है विटामिन सी में, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। और ये सब्जी जो ये कटहल है इसको खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी भी बहुत आती है, तो ये भी इसमें फायदे हैं। और ये देखिए हमारा मसाला फर्स्ट क्लास भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे कटहल। आप कटहल डाल दीजिए इसमें, तो ये कटहल डाल दिया है और कटहल को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ये हमने इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च जो काट के रखी थी 2 टीस्पून मैंने हरी मिर्च अब डाली है, तो अब डाल इस समय डालें तो बहुत टेस्टी लगती है। और इसको सब कटहल को मिला दें। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि अगर आप इसको तलना नहीं चाहते हैं तो जब आपका मसाला भून जाए तब कटे हुए जो आपने कच्चे जो आपने बिना तले हुए जो कटहल है उसको डाल दें इस समय। और अब मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है, तो बेसिकली क्या है अब हम इसको कुकर में कुक करेंगे, फटाफट बन जाएगा ये। ये देखिए पानी में जैसे ही उबाल आ जाता है उसके बाद कोई प्रेशर कुकर बंद करना पड़ता है, पहले मत बंद करें। एक बार पानी डाल के थोड़ा सा हिला के अच्छे से, और जब पानी अच्छा सा उबाल आने लग जाए पानी में आपके मतलब शोरबे में इसमें करी में यानी कि जो इसकी ग्रेवी में, तब हम कुकर का ढक्कन बंद करके और हम इसको पकाएंगे 3 विसल होने तक। प्रेशर कुकर 3 सीटी देगा जब तक। वैसे भी जो है हमारे कटहल जो है ऑलरेडी कुक है, यह हमने तल के रखे, मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सिक के भन के भुन के तैयार है, इसलिए 3 सीटी में हमारा कटहल फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए 3 सीटी हो गई है, ये मैंने कुकर ठंडा कर दिया था और अब मैं कुकर खोल के दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। ये मैंने कुकर ठंडा करने के बाद है, ये देखिए दिख रही है ना कितनी बढ़िया सब्जी, देखने में ही लग रहा है कि अभी खा लें। और ये देखिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एक बार जरूर बना के खाएं, उनको नॉनवेज जो कि पता ही लगेगा कि नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी है। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो भी बनाएं, बहुत टेस्टी मसालेदार सब्जी बनती है। और देखिए कितनी फर्स्ट क्लास बनी है। इसको अब मैं धनिया से डेकोरेट कर रही हूँ, धनिया ऊपर से छिड़क दें। ये देखिए क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा पड़ता है इसलिए तेल ज़्यादा डाला था, फिर तेल की ग्रेवी भी ऊपर आई हुई है। ये मैं दिखाती हूँ आपको कि कटहल कैसे दिखता है, ये देखिए कितना बढ़िया कटहल दिखता है। और एज इट इज़ भी खाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा, ये चाहे पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, और बनाएं जरूर और खाएं जरूर, सबको खिलाएं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके, जब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।